Hey guys, this is Mukul Sharma aka Stuff Listings. Welcome to yet another episode of Tech Stuff. ओके शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज ओप्पो के साथ। ओप्पो ने अपने F19 Pro Plus स्मार्टफोन को सिंगापुर में लॉन्च कर दिया है रीब्रांड करके एज द ओप्पो रेनो 5G। ओप्पो रेनो 5G जो स्मार्टफोन है ये एक 5G स्मार्टफोन है। इसमें आपको देखने को मिलेगा मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800U प्रोसेसर, साथ में 48 मेगापिक्सल का आपको मिलेगा क्वाड रियर कैमरा सेटअप और एमोलेड पैनल है, 60Hz रिफ्रेश रेट है। प्राइसिंग की बात करें यार तो इंडियन प्राइसिंग में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ, ओप्पो रेनो 5G जो स्मार्टफोन है इसको सिंगापुर में लॉन्च किया गया है अराउंड 29,000 रुपीस का। बाकी यार स्पेक्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं और रेनो 5G स्मार्टफोन दिखता कैसा है, ये सारी चीजें मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। And guys, HP ने इंडिया में एक नई क्रोमबुक को लॉन्च किया, इसका नाम है HP क्रोमबुक 11A। ये जो क्रोमबुक 11A है इसमें आपको एक 11.6 इंचेस की मिलेगी टच डिस्प्ले, साथ में अप टू 16 आवर्स की है बैटरी लाइफ। और HP क्रोमबुक 11A की बाकी स्पेसिफिकेशंस फीचर्स जो हैं और ऑफ कोर्स ये दिखती कैसी है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। और अगर आप इसको लेना चाहते हैं इंडिया में तो आपको खर्चने पड़ेंगे 21,999 रुपीस, दैट इज ऑफ कोर्स 22,000 रुपए से एक हाजमोला कम में HP की क्रोमबुक 11A जो है ये इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। और गाइस बजट फ्रेंडली न्यूज से आते हैं सीधा महंगी वाली अमीरों वाली न्यूज पे। तो यार एप्पल का जो इस साल का एप्पल टीवी होगा, एप्पल टीवी 2021 जो होगा, इस लेटेस्ट रिपोर्ट की अगर हम माने तो उसमें हमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की सपोर्ट देखने को मिलने वाली है। एप्पल टीवी का जो अपना मतलब ओएस होता है ना, एप्पल टीवी ओएस, टीवी ओएस बीटा 14.5, यस टीवी ओएस बीटा 14.5, उसके बिल्ड को खोद खाद के यहाँ पे 9 to 5 मैक वाले लोगों ने निकाले हैं दो नए रेफरेंसेज। एक है 120 हर्ट्ज और दूसरा है सपोर्ट 120 हर्ट्ज। मतलब लेके चलो कि यार एप्पल का ये जो नया टीवी आएगा, छोटा सा टीवी होता है, मतलब टीवी नहीं वो जो स्ट्रीमिंग बॉक्स होता है उसमें आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट की सपोर्ट देखने को मिलने वाली है। एंड गाइस OnePlus ने कुछ टाइम पहले लॉन्च किया था अपना OnePlus 9R स्मार्टफोन इंडिया में। OnePlus 9R इंडिया में अराउंड 39,000 का आपको देखने को मिलेगा और ये स्मार्टफोन अब बहुत जल्दी चाइना में भी लॉन्च होने वाला है और चाइना में इसकी प्राइसिंग होगी कम, युआन 3,000 के आसपास इसकी चाइनीज प्राइसिंग होने वाली है। दैट मींस यस OnePlus 9R स्मार्टफोन चाइना में अराउंड 33,000 रुपीस का लॉन्च होगा। अब देख लो यार मतलब 6-7,000 रुपए का यहाँ पे डिफरेंस है और टैक्सेस वगैरह जो है उसके चलते हो सकता है OnePlus 9R स्मार्टफोन इंडिया में महंगा हुआ। और Xiaomi Realme की हर ब्रांड्स का भी यही हाल है तो मेरे को यहाँ पे ज्यादा कोई आश्चर्य वगैरह नहीं हुआ। स्टिल जो भी है OnePlus 9R स्मार्टफोन जस्ट लाइक द OnePlus 9 Pro स्मार्टफोन्स चाइना में इंडिया से अच्छे खासे कम दामों पे बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। एंड गाइस Realme लॉन्च करने वाला है कल अपने Realme C सीरीज के तीन नए स्मार्टफोन्स को और इन तीन स्मार्टफोन्स में से Realme C21 और 25 जो स्मार्टफोन्स हैं ये बन चुके हैं वर्ल्ड के पहले स्मार्टफोन्स जिनको TUV रेलेंट स्मार्टफोन हाई रिलायबिलिटी सर्टिफिकेशन मिल चुकी है। ये कोई एक नई सर्टिफिकेशन है, लेके चलो कि आपके भाई के लिए काम जो है थोड़ा सा बढ़ गया और आसान हो गया। बट अभी के लिए Realme C21 और 25 ये जो दोनों स्मार्टफोन्स हैं TUV के हिसाब से अच्छी खासी रिलायबिलिटी के साथ लॉन्च होंगे। अब यार इन दोनों स्मार्टफोन्स की अनबॉक्सिंग जो है जल्दी आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलने वाली है तो कितने रिलायबल ये स्मार्टफोन है ये आपको कल पता चल ही जाएगा। एंड गाइस मोटोरोला का रोला आने वाला है बहुत जल्दी ही। मोटो G20 जो स्मार्टफोन है अभी आपको बताया था कुछ टाइम पहले कि यार सर्टिफिकेशंस वगैरह पे आना शुरू हो गया और हमारी नॉट सो फेवरेट EEC सर्टिफिकेशन जो वेबसाइट है वहां पे मोटो G20 स्मार्टफोन अब सर्टिफाई हो गया। दैट मींस यस यूरेशियन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में एंड ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट में हमें बहुत जल्दी Moto G20 स्मार्टफोन भी अब देखने को मिलने वाला है। एंड गाइस Mi 11 अल्ट्रा स्मार्टफोन भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, भाई लोग आ रहा है 23 तारीख को ये स्मार्टफोन। आई होप कि यार Xiaomi मेरे को इस स्मार्टफोन को भेज दे, बहुत मजा आएगा इसकी अनबॉक्सिंग करने में। आगे पीछे छोटी मोटी बड़ी बड़ी डिस्प्लेज है स्मार्टफोन में और Mi 11 अल्ट्रा स्मार्टफोन अब लग रहा है कि यार एशियन मार्केट्स में इंडिया के बाहर भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। आज मैंने इसको स्पॉट किया है थाईलैंड की NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे। दैट मींस यस NBTC सर्टिफिकेशन का अप्रूवल प्रोसेस जो है ये Mi 11 अल्ट्रा स्मार्टफोन कंप्लीट कर चुका है, बहुत जल्दी हमें बाकी की एशियन मार्केट्स में भी Mi 11 अल्ट्रा स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। और गाइस एशियन मार्केट्स की बात करें तो यार बहुत सारे टेक्स्ट ऑफ एपिसोड्स में मैं बात करता रहता हूं सिंगापुर की, इंडोनेशिया की, थाईलैंड की। और मैंने रिसेंटली अभी ना कमेंट सेक्शन में देखा कि यार बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारी टेक्स्ट ऑफ देखते हैं और इंडिया में नहीं रहते, वो बाहर इन कंट्रीज में भी रहते हैं और उन लोगों के लिए भी ये जो टेक्स्ट ऑफ है ये कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी और इससे मोटिवेशन आती है। आप अगर इंडिया के बाहर कहीं पे भी रहते हैं और टेक्स्ट ऑफ देखते हैं कमेंट सेक्शन में आप पक्का से हमें बता सकते हैं।
ओके इस टाइम आगे है कुछ नए फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने का। तो आज श्री डिजिटल चैट स्टेशन जी ने तीन अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के बारे में कुछ लीक्स किए हैं। दो स्मार्टफोन होंगे ओप्पो के और एक स्मार्टफोन होगा वीवो का। जी हाँ, ये दोनों ब्रांड्स बहुत जल्दी नए फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं। ओप्पो के जो दोनों ही फोल्डेबल स्मार्टफोन होंगे उनमें से एक में हमें देखने को मिलेगी एक 8 इंचेस की मेन डिस्प्ले और दूसरा वाला थोड़ा सा छोटा होगा, इसमें 7 इंचेस की डिस्प्ले होगी। दोनों स्मार्टफोन्स इनवर्ड फोल्डिंग मैकेनिज्म के साथ लॉन्च किए जाएंगे, मतलब जो डिस्प्ले है वो अंदर की तरफ फोल्ड होगी। वीवो का जो स्मार्टफोन होगा इसमें भी आपको एक अच्छी खासी 8 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी और इसकी सेकेंडरी जो डिस्प्ले होगी वो होगी एक 6.5 इंचेस की डिस्प्ले। अब लेके चलो कि यार ये दोनों जो कंपनीज हैं ये अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन्स को आने वाले कुछ महीनों में लॉन्च करने वाली हैं। Q2 2021 में ओप्पो और वीवो दोनों ब्रांड्स की तरफ से हमें फोल्डेबल स्मार्टफोन्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, बात कर लेते हैं अब सैमसंग की। यार सैमसंग बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है अपने दो नए स्मार्टफोन्स को इंडिया में, सैमसंग गैलेक्सी M42 और सैमसंग गैलेक्सी A42। इन दोनों स्मार्टफोन्स की इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट की इंक्लूजन प्रोसेस होती है अब खत्म। जी हाँ, ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट की इंक्लूजन प्रोसेस को कर चुके हैं कंप्लीट। दैट मींस यस, सैमसंग गैलेक्सी M42 और सैमसंग गैलेक्सी A42 दोनों स्मार्टफोन्स बहुत जल्दी इंडिया में अब लॉन्च होने वाले हैं। और गाइस, कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि यार Realme बहुत जल्दी अपनी Realme GT सीरीज के स्मार्टफोन्स को भी इंडिया में लॉन्च करने वाला है। Realme GT Neo दोनों स्मार्टफोन्स जो हैं लेके चलो बहुत जल्दी इंडिया में आने वाले हैं। Realme के ऑफिशियल्स ने ऑफिशियली इन दोनों स्मार्टफोन्स के आगमन को हिंट करना शुरू कर दिया अर्ली मे, मतलब मे के स्टार्टिंग कुछ दिनों में आपको Realme GT सीरीज के स्मार्टफोन्स इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज की तरफ, बट बिफोर दैट अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड वंस अगेन, अगर आपने अभी तक स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी को ज्वाइन नहीं किया तो यार नीचे जो लाल रंग का बटन है उसको दबा दो और उसके साथ जो घंटी है उसको दबाना मत भूलना, सो दैट आपको हमारे चैनल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके डिवाइस पे मिलती रहे। और गाइस वीडियो करते हैं खत्म Redmi के साथ और Poco के साथ। Redmi Poco का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है गेमिंग वाला। जी हाँ, Redmi का जो अपकमिंग गेमिंग स्मार्टफोन होगा इसके बारे में सुनने में आ रहा है कि इसका डिजाइन जो होगा ये कोई मतलब डेडिकेटेड गेमिंग स्मार्टफोन जैसा नहीं होगा, जैसे ROG वगैरह होते हैं, जैसे Lenovo का फोन आ रहा है वैसा आपको यहाँ पे एग्रेसिव गेमिंग डिजाइन देखने को नहीं मिलेगा। बट स्टिल हीट डिसिपेशन जो होगी स्मार्टफोन की अच्छी खासी होगी। और शोल्डर बटन्स की बात करें तो जैसा प्रीवियस लीक्स भी क्लेम कर रहे थे Redmi के गेमिंग स्मार्टफोन में या रादर Poco के गेमिंग स्मार्टफोन में आपको शोल्डर बटन्स जो हैं ये देखने को मिलने वाले हैं। MediaTek का होगा Dimensity 1200 प्रोसेसर और साथ में हीट डिसिपेशन के लिए यहाँ पे कोई एडवांस मैकेनिज्म जो है ये यूज किया जाएगा। और बहुत जल्दी हो सकता है अप्रैल की एंडिंग तक ही Redmi का ये जो गेमिंग स्मार्टफोन है ये चाइना में लॉन्च हो जाए और इंडिया में भी हमें Poco गेमिंग स्मार्टफोन अब जल्दी ही देखने को मिलने के पूरे चांसेस हैं। और गाइस वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बट पहले देख लेते हैं कल का पोल। कल मैंने आपसे पूछा था मैंने आपसे पूछा था कि यार आपको क्या लगता है IQ इंडिया में फ्लैगशिप किलर ब्रांड बन सकता है कि नहीं बन सकता। यहाँ पे 78% लोग कह रहे हैं हाँ और 22% लोग कह रहे हैं नहीं। और गाइस आज की वीडियो का पोल भी सिंपल सा है, Realme GT सीरीज बहुत जल्दी होने वाली है लॉन्च, आपको क्या लगता है आपके हिसाब से आप कौन सी सीरीज के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे, Realme GT सीरीज या IQ 7 सीरीज? कम्युनिटी सेक्शन में जाके पोल करके आप हमें बता सकते हैं। और वीडियो खत्म करने से पहले देखते हैं कल के बेस्ट कमेंट्स। आप लोगों के कमेंट हम लोगों को बहुत पसंद है, आज की वीडियो में भी कमेंट कीजिए सो दैट आपके कमेंट्स में ऐसे ही टेक्स्ट स्टफ में फीचर करता रहूं। सो गाइस ये थी आज की शाम की टेक्स्ट स्टफ। आई होप आपको हर बार की तरह आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल सुबह फिर से टेक्स्ट स्टफ के एक और नए एपिसोड में जिसमें आपको बहुत सारे लीक्स देखने को मिलने वाले हैं। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, फलते फूलते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। पीस। जय हिंद। फोन हाई रिलायबिलिटी इन तीन में और इनमें से लॉन्च करने वाला है कल में लीक्स वगैरह।